हेलो एवरीवन, हम देखिए क्लास ट्वेल्थ की सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर वन के लेक्चर नंबर सिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम जो है पढ़े थे फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, ठीक। अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज की जाए, अब वो चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उससे हम क्या किए, कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वह उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का गेन करती है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सपोज दैट हमने मान लिया कि जो कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज जो है कहीं जो है सिचुएटेड है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली जो चार्ज की जाती है, मान लीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसके जो है सराउंडिंग चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें हम कोई दूसरा अगर चार्ज ले आते हैं तो चार्ज इसके पास आ करके एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है जिस पर कोई प्लस आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ इसके सराउंडिंग एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर अगर हम कोई दूसरी चार्ज बॉडी, चाहे वह प्लस हो चाहे वह माइनस हो, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जब इसके हम पास ले आते हैं तो उस पर एक जो है इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज इसके पास ले आते हैं, इस जो है चार्ज के पास में अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आते हैं तो वह क्या करेगी, इसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज क्योंकि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसके समीप जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आते हैं तो दोनों का नेचर जो है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इस जो है नेगेटिव चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अगर इस जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के पास में कोई हम पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस जो है रीजन के थ्रू क्या होता है, एक दूसरे से मतलब ये रिपल करते हैं एक दूसरे को। तो जब हम इसके समय कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आते हैं तो इस इलेक्ट्रिकल रीजन के जो है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या होता है, चार्ज यहाँ से रिपल करता है, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज हैं। जब दोनों पर सेम चार्ज हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपल करती है, तो इसकी जो डायरेक्शन आउटसाइड होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक माइनस और एक प्लस। यहाँ पर इन चार्जों को हम इस रीजन में ला करके यह प्रैक्टिकल किए या देखे हैं कि यहाँ इसके चारों तरफ एक क्या हुआ, फील्ड क्रिएट हुई है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केवल हम पॉजिटिव चार्ज को ही हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, निगेटिव को नहीं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंपल सी डिफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं इन द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट और पार्टिकल वेयर ए फोर्स इज एग्जर्टेड अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स, तो वह क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है या जो है चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके जो है उसको हम किसी जो है पॉइंट पे रखें तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर हम कोई दूसरी चार्ज बॉडी ले आते हैं तो ये दूसरी चार्ज बॉडी क्या करती है, इस पर जो है एक फोर्स फील करती है, और यह फोर्स इसलिए फील होता है क्योंकि चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन जो है चार्जों को जब जो इसके पास ले आते हैं एक फोर्स फील होता है, तो इसी जो फील्ड को हम या इसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहें, जानना चाहें, तो हम देखें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज की वजह से इसको क्या हो करती है, रिपेल करती है। जब यह इसको रिपेल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि रिपल्सन के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या आउटसाइड लगता है, हमेशा आउटवर्ड लगता है। तो जब हमेशा फोर्स आउटवर्ड लगता है
तो इसकी डायरेक्शन जो होती है किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। और अगर हम किसी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज ले जाएं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के समीप हम कोई निगेटिव चार्ज ले जाते हैं, तो निगेटिव चार्ज बॉडी को वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और अट्रैक्शन के कारण जो उस पर फोर्स लगता है वह इनवर्ड होता है, और फोर्स के इनवर्ड होने की वजह से किसी निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह इनवर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वह पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, और किसी निगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।